ले चलते आपको कानपुर नगरी की कुछ खास खबरों की ओर, जहां पर सपा विधायक ने टेनरी कब्जे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है अपनी सफाई। दिखाते आवाज न्यूज 24 की खास रिपोर्ट। तो नमस्कार, मैं कैंट विधायक समाजवादी पार्टी मोहम्मद असल लोमी कानपुर से बात कर रहा हूं। मेरी विधानसभा क्षेत्र में परिवार के दो लोगों में झगड़ा हुआ है, जो प्रॉपर्टी को लेकर हुआ है। हमारे परिवार के किसी भी सदस्य का इस झगड़े से कोई संबंध नहीं है, और मुझे चूंकि बात मैं इसलिए इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि अभी किसी चैनल के माध्यम से ये हमें किसी ने बताया कि आपका क्या कोई संबंध है झगड़े से, तो मैं अपना स्पष्टीकरण इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोग हैं, दोनों को मैं भली भांति जानता हूं, दोनों पारिवारिक लोग हैं, और इन दोनों में आपसी मनमुटाव को लेकर प्रॉपर्टी का झगड़ा है, जिसमें कुछ बातें गंभीर हुई हैं। मैं जिला प्रशासन से भी, पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि इसको आप आपस में बिठाकर देखकर दोनों के मामले को हल करा दें।